नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। 19 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री लाइव टीवी पर आए और कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने कहा 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगेगा, यानी जनता कर्फ्यू की बात की। और आज 22 मार्च है, आज पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था जनता कर्फ्यू के दिन लोग घरों से बाहर ना निकलें, लोग अपने घरों में रहें। हम आपको मुमरा शहर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें जनता कर्फ्यू किस तरह है, लोग अपने अपने घरों में। और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर के आदेश अनुसार जो है जगह जगह पर मुमरा में नाकाबंदी लगी हुई है। दरअसल इस कर्फ्यू में बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वह निकलते हैं तो पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई करती है। और एक बात और हम आपको बता दें, इस कर्फ्यू के दौरान वही लोग जा सकते हैं जैसे इमरजेंसी पेशेंट हैं या फिर दवा लेने, यानी बाकी बिना काम के सड़कों पर दिखेंगे तो पुलिस को पूरा अख्तियार है, अधिकार है एक्शन लेने की। हम कौसा की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम कैसे जो है सड़कों पर नाकाबंदी की है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर कहां जाएंगे, कौन हैं आप, जो है किस लिए जा रहे हैं। बिना कारण पूछे जो है वो आगे जाने नहीं दे रहे, और उन्हीं लोग को जाने दे रहे हैं जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल शॉप चलाते हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, उन्हीं लोग को छोड़ रहे, बाकी लोगों पर एक्शन ले रही है मुमरा पुलिस। हम आपको बता दें आज के दिन 4000 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा था 19 मार्च की रात, देश को संदेश दिया था, अपील किया था, कोरोना वायरस को बढ़ते देख यह कदम उठाया जा रहा है। रविवार संडे के दिन जनता का कर्फ्यू होगा, यानी आज के दिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। इस कर्फ्यू का मतलब है देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। लेकिन कर्फ्यू लगने वाला आम कर्फ्यू से अलग है, यानी जनता के लिए, जनता पे लगाया गया है कर्फ्यू होगा ये। फिलहाल हम जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी तरह से जो है कई जगहों पर नाकाबंदी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से देश में अब तक 300 के पार मामले सामने आ चुके हैं, 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वही दुनिया में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन आज जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, कोई भी गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही है, पैदल चलने वालों पर भी रोक लगा है, बिना जरूरी कारण के आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और आपसे यही निवेदन है प्रहार टाइम की ओर से, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।